वेलकम बैक टू वीडियो ब्लॉग। कैसे आप सब लोग, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक ठाक और खैरियत से। तो अब मैं जा रहा हूँ अभी हाजी को लेने, चलो चलते और आप लोगों के साथ। तो गाइस मैं पहुँच चुका हूँ अभी अपने खाला के घर, मेरे साथ बैठा हुआ है मिस्टर दो अजान सासरिंदे डाबल का। गाइस ये इसकी बहन है, ये देखो। अबे आजा, कहाँ गया वो वीडियो। ये देखो, ये बाप है इसका और ये इसकी बहन है। ये देखो माशाल्लाह। इसको जब लोग बोलते हैं आपका नाम क्या, ये बोलते हैं मिस्टर दो अजान सासरम दे अजान, ये बोल रहे हैं मिस्टर दो अजान। तो अभी हम लोग ऊपर भी जाएंगे थोड़ी देर बाद। और हाँ, आप लोगों के लिए ऊपर एक सरप्राइज है। मेरे कज़न ने बोला कि यार मैं एक इतना खूबसूरत चीज़ लाया हूँ ना, आप लोग बनाओ, लोगों को सरप्राइज करो, बहुत अच्छा है यार। मैंने देखा है तस्वीर में आके, अभी मैं जो है ना रियल में देखती हूँ, बहुत अच्छी चीज़ है वो। और वो गाइड है ना, मैंने जब आपको पिछले से ब्लॉग में दिखाया था गाइड, वो माशाल्लाह से मैंने कल देख लिया था, इतना अच्छा मोटा हो गया था ना वो गाय, माशाल्लाह बहुत अच्छी गाय बन गई है उससे। हाँ तो गाय, हम जा रहे हैं गाँव के अपने गाय के पास। तो अभी आपको गाय दिखाते हैं। हाँ तो गाइस, हम अभी गाय के पास अभी आ गए। मोटू भाई भी आपको आप ऊपर हम दिखाते हैं और आपको एक सरप्राइज दिखाते हैं। मोटू भाई गाइस, सरप्राइज ये है ना कि इसकी सींग बहुत मजे के है। मैं आप लोगों को एक सरप्राइज दिखा देता हूँ, हमारा प्यारा प्यारा बट्टी। ये जो है ना, इसके सींग बहुत बड़े थे और ये अपने आप को मार देते सिंह जो है ना, यहाँ पर भी। ये देखो, हम लोगों ने फिर इसके दवाई ववाई लगा दिए, फिर ये रोज़ अपने आप को मार देते थे सिंह जो है ना। ये बहुत मासूम है, लोगों को नहीं मारता था मगर अपने आप को मारता था ये तो इसीलिए मेरे कज़न ने बॉल लगवा दिया सिंह को। फिर ये देखो कान के नीचे मास भाई ने स्प्रे लगा दिए, तो इसलिए हम लोगों ने जो है ना बॉल लगवा दिए। तो सरप्राइज हमारा ये था, बकरी माशाल्लाह ये बहुत अच्छी बकरी है। देखो काट भी नहीं रही है, सिर्फ चाट रही है मुझे गाइस। और मैं आप लोगों को दूसरा बात बता दूँ, ये बीमार है सही है ये बकरी, इसलिए जो है ना दूध भी देखिए। ये देखो, ये देख रहे हो गाइस, ये देखो ये कुछ भी नहीं बोलती है। तो अभी जो है ना, मैं आप लोगों को अपना बात बता देता हूँ गाइस, मैं भी बहुत बीमार हूँ, मुझे जो है ना खांसी हो रही है। तो जब मैं खांसता हूँ ना, ये जगह और ये जगह जो है ना, ऐसे लगता है कि कोई रस्सी इसके अंदर डाल दिया और ऐसे खींच रहा हूँ मेरे, ये जगह है ना ये और ये सीना, यार बहुत तकलीफ होता है मुझे खांसते हुए। अभी मास जो है ना गाय को ब्रश मार रहा है, मगर गाय अभी जो है ना गुस्से में आई है, ये मास इसको तंग कर रहा है इसलिए ये गुस्से में आई। ये देखो, पहले ये मुझे कुछ भी नहीं बोलती थी, इतनी ताकती हुई धूप है ना। अभी तक तो सही था बिल्कुल। ये देखो सूरज हमारे सर के ऊपर ही है, पता नहीं आप लोगों को दिख रहा होगा या नहीं। तो बहुत ही मज़ेदार और अच्छी से यार बकरी है हमारी, बहुत ही मज़ेदार बकरी है। तो अभी चलते हैं हादी के पास।
गाइस मैं आज का हादी को घर लेके, और ये देखो हल्की हल्की बूंदा बांदी भी हो रही है, सारा ज़मीन गीला पड़ा हुआ है, और माशाल्लाह से मौसम भी अच्छा बन गया है। ये देखो कितने काले काले बादल हैं, ये देखो यहाँ पर नहीं है, और हमारे घर के ऊपर देखो, ओए होए ये देखो इतने ख़तरनाक बादल हैं, मुझे तो डर ही लग रहा है। अभी भी हल्के फुल्के बूंदा बांदी हो रही है। रास्ते में मैंने नहीं बनाया व्लॉग क्योंकि यार दोपहर का टाइम है, और अगर कोई आ गया तो निकालो फिर, इसलिए मैंने रास्ते में व्लॉग नहीं बनाया। मगर बहुत मज़ा आ रहा है, कराची का मौसम ठीक हो रहा है, बस सर्दियाँ आने वाली है। गाइस अभी मैं हादी को हादी के घर छोड़ने जा रहा हूँ। हादी तो यार आज का व्लॉग इतना खास नहीं था, मगर यार इसी व्लॉग को यहाँ पर एंड करते हैं। उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद है, अगर पसंद है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय।